सो गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टकपुक पे। आज हम बात करने वाले हैं मीवी के ये नेक बैंड है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुए हैं और मैंने इसको फर्स्ट सेल में बाय किया। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है और मेड इन इंडिया आपको मिलता है यहाँ पे। मेक इन इंडिया नहीं है, मेड इन इंडिया यहाँ पे बॉक्स पे लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे कॉलर क्लासिक का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है, मीवी की तरफ से आते हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा किलर लुक्स के साथ ही आते हैं। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है और क्या आपके लिए 1000 रुपीज में ये वर्थ है या नहीं। सो बात करते हैं यहाँ पे बॉक्स की। तो बॉक्स कंटेंट में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है बॉक्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे डीप एंड पावरफुल बास लिखा हुआ है, फास्ट चार्जिंग है, मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलर क्लासिक की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग दी गई है ऊपर की साइड। यहाँ पे ये ब्लू कलर में मैंने मंगाया है, पुश द लिमिट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। पीछे की साइड कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे HD स्टीरियो साउंड, लॉसलेस ऑडियो लिखा हुआ है, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ है, IPX5 की रेटिंग आई गेस इसको मिली हुई है, लाइट एंड कंफर्टेबल है और फुल चार्ज पे आपको 35 टू 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं और चार्जर पे डिपेंड करता है। मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आपको 1.5 टू 2 एम्पीयर तक का चार्जर आप यूज़ कर सकते हो सेफ चार्जिंग के लिए। मैग्नेटिक लॉकिंग मिलता है आपको और प्राउडली मेड इन इंडिया की तरफ से है ये। और मेम्स मिक फॉर क्रिस्टल क्लियर साउंड, क्रिस्टल क्लियर कॉल्स और सुपर सॉलिड बास मिलता है, पावरफुल ड्राइवर्स हैं इसमें। तो यहाँ पे जो इसका प्रिंटेड प्राइस है आई गेस यहाँ पे 3000 रुपीज़ है और आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं इसको, इस तरीके की आपको पैकिंग मिलती है। मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया है। सो गाइस बॉक्स कुछ ज़्यादा ही इसका बड़ा है तो मैंने ऊपर की पॉलीथिन हटा ली है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइटली इसको पैक किया गया है। इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको ये नेकबैंड मिलता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज नज़र आ रहा है मेरे को, बड़ा नज़र आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पे आपको ये कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाती है, यहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी क्लेम करने के लिए ये मिल जाता है कार्ड मीवी का, और साथ में यहाँ पे आपको वेलकम टू क्रियो लिखा हुआ है, ये ग्रीन का है और ये ब्लू कलर के मैंने मंगाए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा बड़ा है जो भी मेरे पास नेकबैंड है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इवन रियलमी वाले से भी बड़ा है ये। रियलमी का तो कॉम्पैक्ट नज़र आता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का आपको मिलता है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमको। यहाँ पे आपको ये इसका चार्जिंग माइक्रो USB केबल मिलता है, साथ में यहाँ पे कुछ ईयर टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता है इसमें। तो हम इस सबको रखते हैं साइड में और फिर मैं आपको एग्जैक्टली जो नेक बैंड है उसकी तरफ लेके आता हूँ। जिस तरीके का आपको मिलता है लुक यहाँ पे, ब्लू एक्सेंट में मैंने इसको मंगाया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक बैंड की, तो नेक बैंड की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लगी मेरे को। थोड़ा सा ये बड़े हैं मतलब ऑल जो नेक बैंड्स आते हैं मार्केट में उससे, बट यहाँ पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है हाथ में, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 30 to 35 grams के होंगे, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट साइड में, तो यहाँ पे कुछ आपको बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन का और वॉल्यूम अप का बटन मिलता है, और उसी के साथ साथ गूगल एंड शिरी को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो यहीं से ही इस पावर बटन को होल्ड करके। और यहाँ पे आपको माइक्रो USB चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलता है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा बैंड है प्लास्टिक का दिया गया है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है और यहाँ पे आपकी मार्किंग दी गई है लेफ्ट, यहाँ पे राइट साइड की मार्किंग दी गई है, तो इस तरीके से मिलता है। और साथ में यहाँ पे वायर की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है वायर की, मेरे को बेस्ट लगी यहाँ पे वायर की क्वालिटी। यहाँ पे टैंगल फ्री वायर दिया गया है, उसी के साथ साथ अच्छा खासा मोटा वायर है, देख सकते हो आप यहाँ पे, तो टूटने वाला नहीं है। इवन मैं अगर तेज से खींचूं भी इसको तो नहीं टूट रहा है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेन यहाँ पे ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करे गए हैं यहाँ पे प्लेस। और यहाँ पे पूरा एल्युमिनियम का दिया गया केसिंग दोनों में ही आपको, और आगे की साइड का जो यहाँ पे जहाँ पे ये दूसरी तरफ का दिया गया है, यहाँ पे आपका प्लास्टिक का दिया गया है। और अच्छी बात है यहाँ पे जो पूरा का पूरा एल्युमिनियम का जो फिनिश है बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो क्लोथिंग है ये अच्छी दी गई है, यहाँ पे थोड़ा सा मेटल की क्लोथिंग होती तो ज़्यादा बेटर लगता अंदर की साइड में। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग दी गई आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिल्वर कलर की जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है, इसको कूल लुक दे रही है थोड़ा सा। और डेफिनेटली यहाँ पे प्लस पॉइंट है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, 1000 की रेंज में डेफिनेटली कहने वाली बात है कि बेस्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को लगी है अभी तक के नेकबैंड जो भी मैंने रिव्यू किए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किससे कैसे इसको पेयर करना, कैसे आप अपने फ़ोन के साथ इसको डायरेक्टली पेयर कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस बटन को होल्ड करके रखना है। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कर चुका हूँ यहाँ पे,
इसको पेयर ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑफ हो चुका है और हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ डायरेक्टली। तो आपको अपने ब्लूटूथ को ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने इस बटन को होल्ड करके रखना है। यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे पेयरिंग मोड में जा चुका है। और यहाँ पे मीवी कॉलर क्लासिक जैसे कि यहाँ पे फाइंड हो चुका है, इसको आपको पेयर करना है। और तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो 90% बैटरी दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की। तो म्यूज़िक को हम यहाँ पे सुनते हैं डायरेक्टली, यूट्यूब पे चलते हैं, यहाँ पे NCS का एक सॉन्ग बजाते हैं। मैं अगर अपनी राय बताऊं इसकी साउंड क्वालिटी को लेके, तो म्यूज़िक में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने भी जैसे सुना इसको। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बेस है अच्छा खासा है, ओवरपावरिंग नहीं है यहाँ पे बेस, ओवरपावरिंग नहीं हो रहा है। और साथ में यहाँ पे जो वोकल्स हैं वो क्लियर सुनाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। आई गेस म्यूज़िक का आपको साउंड आ रही होगी। तो इस तरीके से आपको मिलता है। तो आई गेस मेरे ख्याल से तो बेस्ट यहाँ पे लगा मेरे को। तो 10 में 7 मैं देना चाहूँगा म्यूज़िक क्वालिटी में। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो इसका लेटेंसी है वो गेमिंग में बहुत अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ पे कम लेटेंसी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं डिले आपको मिलता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। आप वायर वाले यूज़ कर सकते हो अगर आप गेमिंग के लिए चूज़ कर रहे हो, तो वायर वाले बेस्ट रहते हैं उसके लिए, गेमिंग के लिए। तो ये रिकमेंड नहीं करता मैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आप सभी से यहाँ पे जो कॉल की क्वालिटी है वो मैंने थोड़ा सा चेक किया था इसको, और कॉल की क्वालिटी को अगर मैं बात करूं, आप अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, यहाँ पे एवरेज आपको मिलती है। आप अगर रूम के एनवायरनमेंट में, तो अच्छी खासी आपको साउंड सुनाई देने वाली है, आपको भी उसकी और उसको भी आपकी, क्लीन एकदम। बट यहाँ पे अगर आप ट्विस्ट वहाँ पे शुरू होता है, जैसे कि आप एनवायरनमेंट में जाते हो जहाँ पे शोरगुल है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होने वाला है और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं वॉइस सही से सुनाई नहीं देने वाली है। तो ये थोड़ा सा इशू लगा मेरे को। बट यहाँ पे ऑल इन ऑल म्यूज़िक की क्वालिटी अच्छी है और यूट्यूब वीडियोज़ में आपको कोई डिले नहीं दिखने वाला है। साथ में यहाँ पे जो इसकी बिल्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगी मेरे को, अच्छी लगी। और इसका जो एक्सेंट है, मतलब ब्लू कलर का ब्लू एक्सेंट की तरफ दिया गया है, येलो कलर का येलो कलर से, और रेड कलर का रेड कलर से, और ग्रीन कलर का ग्रीन कलर से, ब्लैक कलर का ब्लैक कलर से, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। डेफिनेटली आपको इसको टेक अ लुक करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है और मीवी एक इंडियन ब्रांड की तरफ से आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहिए अपने इंडियन ब्रांड्स को, और डेफिनेटली इसको एक बार कंसिडर करना चाहिए। तो ये था मेरा स्मॉल सा रिव्यू, ये था मेरा स्मॉल सा अनबॉक्सिंग। अगर आपको यहाँ पे ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और साथ में यहाँ पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। फिर और भी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ आप सभी के लिए, अनबॉक्सिंग लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।